दोस्तों Realme के CEO माधव सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट से 108 मेगापिक्सल कैमरा इनोवेशन फीचर की जानकारी दी थी। इसके बाद से Realme 8 सीरीज के फोन को लेके लीक आने शुरू हो गए थे। जैसा कि इस फोन को लेके खास जानकारी मिली है, बल्कि फोन के डिजाइन का खुलासा हो गया है। सबसे खास बात यह है कि हमें जो इमेज मिली है उसमें सलमान खान Realme 8 Pro स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी इस फोन को इंडिया में जल्द ही लॉन्च करने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता है कि सलमान खान Realme फोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने Realme 6 और 7 सीरीज के स्मार्टफोन को इंडोर्स किया था। अब ऐसे में स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही ये स्मार्टफोन उन्हें मिल चुका है, तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि Realme 8 के विज्ञापन में भी सलमान खान दिखाई देंगे। यहाँ पे सलमान खान द्वारा यूज किए जा रहे फोन Realme 8 Pro की इमेज में आप इस डिवाइस को पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बैक पैनल के डिजाइन को लेकर काफी कुछ समझा जा सकता है। फोन का बैक पैनल काफी शाइनी है और नए स्टाइल में रियर कैमरा को प्लेस किया गया है। इस फोन में स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और कैमरे का ब्रैकेट थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, जहां पे LED फ्लैश भी अवेलेबल है। साथ ही इस फोन को ब्लू कलर में दिखाया गया है, जहां पे इस फोन की बॉडी कर्व और स्लिम देखने को मिलती है। दोस्तों Realme 8 और 8 Pro को लेके कंपनी ने ज्यादा खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन इस फोन के काफी सारे स्पेसिफिकेशन लीक के जरिए सामने आ चुके हैं। सबसे पहले अगर कैमरे की बात करें तो Realme 8 Pro को लेके ये खुलासा हुआ है कि इस फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर दिया जाएगा, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो इस फोन में 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे सेटअप देखने को मिलेंगे। साथ ही Realme 8 Pro स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलेंगे। अब जो कि Realme 8 की बात करें तो इस फोन में 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे सेटअप दिए जाएंगे, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो इन दोनों फोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी जाएगी। हालांकि डिस्प्ले कौन सी होगी, एमलेट या फिर IPS, इसको लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब जो कि प्रोसेसिंग की बात करें तो जैसा कि पिछले दिनों Realme 8 को बेंचमार्किंग साइट Geekbench पे देखा गया था, Geekbench के अनुसार Realme 8 में MediaTek Dimensity 720 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि Realme 8 भी 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलेंगे, जहां पे अधिकतम 8GB की रैम अवेलेबल की जाएगी। हालांकि Realme 8 Pro की बात करें तो इसको लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जहां तक कि अगर लीक की बात करें तो इस फोन में क्वालकॉम के 5G चिपसेट के साथ देखने को मिलेंगे। यहां पे स्नैपड्रैगन 750G या फिर 765G के साथ देखने को मिलेगा, और इस फोन का सीधा मुकाबला Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल सकता है। अब बात करें बैटरी और चार्जिंग को लेके तो Realme 8 और 8 Pro में 5000mAh की बैटरी दी जाएगी, जैसा कि Realme 8 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलेंगे, जबकि Realme 8 Pro की बात करें तो इस फोन में 65 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों वहीं प्राइस की बात करें जिसको लेके कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो Realme 8 15 से लेकर 16,000 के आसपास में देखने को मिल सकता है, जबकि Realme 8 Pro की बात करें तो इस फोन को 20,000 के आसपास में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अगर इंडिया लॉन्च की बात करें तो इस फोन को मार्च 2nd या फिर 3rd वीक तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप इस फोन को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।